मुसलमान पर कहीं पे भी जुल्म होता है तो ये लोग ऐसे खामोश हो जाते हैं कि जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं है। जो अमनियत के लिए काम कर रही है और जो इंसानी हुकूक और हैवानों के हुकूक के लिए काम कर रही है, आज हम उन्हें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बताना चाहते हैं कि तुम्हारे वो नारे, तुम्हारी वो पॉलिसियाँ, तुम्हारे वो जो हुकूक हैं आवाम के लिए, इंसानों के लिए, वो कहाँ हैं। आज हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वो क्यों खामोश हैं कि एक मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है और दूसरा मुसलमान उसके ऊपर खामोश है। तो कल एक ऐसा दिन आएगा जब हमारे मुल्क में हमारे ऊपर जुल्म होगा और दुनिया खामोश रहेगी। यानी हमारे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हमें कहा कि आप या तो दुनिया में रहो जालिम के खिलाफ निकलो और मजबूत। ये फकत हमारे साथ मखसूस नहीं है, जितने भी बाशऊर इंसान हैं उनको हम दावा देते हैं। दुनिया में कहीं भी किसी के ऊपर भी जुल्म हो, हम सब मुतहद हो जाएं, इसी में हमारी बका है। दुश्मन तो ये चाहता है कि हमें इस तफरकों में और क्या है टोलों में बांट कर हमें कत्ल करे। हमारे जो मफादात हैं, हमारा जो इस्लाम है, हमारी जो भी पॉलिसियां हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए। एक मतलब बाबा बुलंद सलवा।